आपल्या देशात संचारबंदी लागू केल्यानं याचा सर्वाधिक फटका हा मोठमोठ्या वस्तूंची वाहतूक करणाऱ्या वाहन चालकांना बसलाय. सर्व सीमा बंद केल्यानं ट्रक चालकांना असेल त्याच ठिकाणी थांबावं लागतंय. रस्त्यावरील सर्व हॉटेल्स बंद असल्यानं आणि प्रशासनाला सर्व सीमा बंद कराव्या लागल्यानं रस्त्यावर हे ट्रक चालक अडकून पडलेत आणि त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. त्यामुळे शासनानं अशा वाहन चालकांसाठी अन्न पाणी आरोग्य मूलभूत सुविधांची व्यवस्था करावी अशी मागणी केली जाते. नाम तारकेश्वर यादव है मेरा. हम जो है हजीरा से मित्तल कंपनी से लोड करके औरंगाबाद गए थे, खाली करके यहाँ आकर फंसे हैं और यहाँ कोरोना के चलते फंसे हैं. या ना चाय मिल रहा है, ना खाना मिल रहा है, ना सब्जी मिल रहा है. एक दुकान भी है तो वो जो है 1 रुपया के बदले 4 रुपया ले रहा है. कहाँ से हम लोग खाएंगे पिएंगे. हजीरा से भर के चेन्नई गया था, चेन्नई से भर के हजीरा रिलायंस का माल लेके आ रहे हैं साहब जी पायलट. अब यहाँ बॉर्डर पर आकर फंसे हैं. आज 3 दिन हो गया साहब जी, ना खाने का ठिकाना है, ना पानी का, ना तो सरकार हम लोग को चलने दे रही है, ना तो सरकार खड़ा होने दे रही है, ना घर जाने दे रही है. हम लोग कहाँ जाएं. सरकार से यही निवेदन है कि हम लोग के लिए कुछ ना कुछ करें. 21 दिन हम लोग कैसे काटेंगे. यहाँ खाने का ना ठिकाना है, ना पानी का. ये जंगल में हम लोग क्या करें. एक पंप वाले हैं, इन्हीं का देन है कि अभी तक इन्हीं के छत्रछाए में हम लोग अभी जी रहे हैं.